एग्जाम से पहले आज जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ इस रिकॉर्डिंग को एग्जाम से पहले रात आधा घंटा पौना घंटा का रिकॉर्डिंग होगा, सुन लेना एक बार। आपको एस ब्लॉक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चंस इसी के अंदर से पूछे गए आज जो करवाऊंगी, ठीक है। ये एस ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है, और यहाँ पे मैं बनाती हूँ एस ब्लॉक के दो ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट ग्रुप को हम कहते हैं अल्कली मेटल, और सेकंड ग्रुप ये दोनों एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। फर्स्ट इज नोन एज अल्कली मेटल एंड सेकंड इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर मैं यहाँ पे प्रोसेस को ऐसे इस तरीके से डाल दूं तो आपको पता है पूरे प्रिडिक्टेबल सात पीरियड में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, सात पीरियड में डिवाइड करा गया है। जिस सात पीरियड में से देखो आपको बताती हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, कल बताया था मैंने आपको, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पीरियड एंड सेवन पीरियड, टोटल ये पीरियड वाली अगर बात करें। और अगर हम ग्रुप में चले तो टोटल कितना है, कहा था मैंने कल, कितने ग्रुप टोटल होते हैं प्रिडिक्टेबल में, 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप्स इन ऑल। मतलब ये एक फर्स्ट सेकेंड ग्रुप एस ब्लॉक में आएंगे, थर्ड से लेके 12 ग्रुप तक ये आएगा डी ब्लॉक में, और 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक आएगा मेरा पी ब्लॉक में आ जाएगा। बट हमें उसके बारे में पढ़ना नहीं है अभी, हमें किसके बारे में जानना है, एस ब्लॉक के बारे में। थोड़ा एलिमेंट भर लेते हैं। फर्स्ट पीरियड में नॉर्मली अगर हम देखें तो हाइड्रोजन है यहाँ पे, उसके लिए थोड़ा सा अलग सा, एक्चुअली हाइड्रोजन को यहाँ पे रहना चाहिए था, बट हाइड्रोजन को थोड़ा अलग सा पोजिशन दे दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे हीलियम है। तो लगभग अगर हम बात करें तो और हाइड्रोजन चैप्टर आपको पता है, हाइड्रोजन चैप्टर आप पढ़ चुके हो, तो हाइड्रोजन के बारे में कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड की बात करें तो बेसिकली अल्कली मेटल जो स्टार्ट होता है सेकंड पीरियड लिथियम ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे चलते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांशियम है, ये मेरा अल्कली मेटल आ जाता है। इसके बाद थोड़ा फ्रेम बना के फिर आपको मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करवाती हूँ। और ये है अल्कली मेटल, दीज आर फर्स्ट जो है ये मेरा अल्कली मेटल, अल्कली मेटल क्यों कहते हैं उसका रीजन मैंने आपको कल दिया था। मैं क्यों कहते हैं अल्कली मेटल, क्योंकि ये जो मेटल है ये वाटर का रिएक्शन दिखा के स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है जो कि अल्कलाइन नेचर का होता है, दैट्स व्हाई इसे हम अल्कली मेटल कहते हैं। क्लियर है। सेकेंड ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है कि इस ये भी अल्कलाइन नेचर का है, ये भी वाटर के साथ रिएक्शन दिखा के बेस प्रोड्यूस करता है, ये भी अल्कलाइन नेचर का होता है। और अर्थ मेटल कहा जाता है, ये अर्थ के क्रस्ट में ज्यादातर पाया जाता है। मैं भी इसको थोड़ा लिख देती हूँ, ये यहाँ पे आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नेशियम, यहाँ पे कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है और रेडियम है, ठीक है। ये जो है आप अगर इसे लर्न कर लोगे ना अभी एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक का अल्कली मेटल को लर्न कर लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बहुत हेल्प करेगा आपको। और अल्कलाइन अर्थ मेटल को लर्न कर लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। इतना करने के बाद चलते हैं क्वेश्चन में, चलते हैं बाकी तो बहुत कुछ प्रॉपर्टीज कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो सबसे पहला है कि नेम द अल्कली मेटल व्हिच शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। सबसे पहला पॉइंट, कौन सा अल्कली मेटल मैग्नीशियम को रिजेंबल करता है, लिथियम। लिथियम अपने डायगोनली प्रेजेंट मैग्नीशियम को रिजेंबल करता है। बेरिलियम एल्यूमिनियम को रिजेंबल करेगा जो कि इसके डायगोनली प्रेजेंट है, और सो ऑन ऐसे करके हम आगे जाएंगे। बोरन रिजेंबल करेगा सिलिकॉन को, ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा जो सेकंड पीरियड एलिमेंट होता है वो अपने डायगोनली प्रेजेंट, डायगोनल मतलब ये डायगोनली प्रेजेंट थर्ड पीरियड एलिमेंट को रिजेंबल करता है। तो लिथियम रिजेंबल्स मैग्नीशियम, ठीक है। लिथियम रिजेंबल्स मैग्नीशियम, और ये दोनों डायगोनली प्रेजेंट है। अच्छा, इसका रीजन भी साथ ही लिख दूंगा, कल आपको मैंने रीजन भी लिखवाया था। अब पूछा जाएगा व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लिथियम रिजेंबल्स मैग्नीशियम, आपको पूछा जाएगा उसके पीछे का रीजन बताओ, क्या लिखोगे।
दो पॉइंट आपको लिखना है, लिथियम एंड मैग्नीशियम दे पोजेस सेम चार्ज टू रेडियस रेशियो, दे पोजेस सेम चार्ज टू रेडियस रेशियो पोजेस करते हैं, और सेकंड पॉइंट क्या लिखना है आपको, दे पोजेस सेम पोलराइजिंग पावर। ये दोनों रीजन की वजह से दोनों रिजेंबल करते हैं, और रिजेंबल करते हैं इसीलिए इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इसके इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर हो गया, इसके कोवेलेंट प्रॉपर्टी हो गया, सारा रिजेंबल करने लग जाता है। मेन रीजन क्या है, ये दोनों पॉइंट आपको लिख के आना है। सेकंड क्वेश्चन में चलो, Why do alkali metals impart color to the flame? Alkali metal, मैंने आपको कहा था जो alkali metal होता है जब वो flame coloration देते हैं, क्या देते हैं, flame coloration देते हैं, जब उन्हें heat करा जाता है flame से तो क्या होता है, वो higher energy level में higher energy level energy absorb करके higher energy level में जाते हैं, और जब ब्राउन शीट में बैक करते हैं तो complementary color को radiate करते हैं, इसे कहते हैं flame coloration। So write down. पूछा गया है, why do alkali metals impart color to the flame? क्यों? So write down. रीजन, अगर आपको टाइम मिलता है, एनसीईआरटी में भी है, मेरे नोट में भी पढ़ा है इस ब्लॉक के, फ्लेम कलरेशन बाई अल्कली मेटल में एक बार देख लेना कि लिथियम कौन सा कलर देता है, ये क्रिम्सन रेड देता है, सोडियम जो है वो स्लाइटली येलो टाइप का कलर दिखाता है, इस तरीके से आप नीचे की तरफ चले जाना, सबके कलर लिखा हुआ है बुक में। आपको क्या बताया, जब इनको फ्लेम में जलाया जाता है तो ये कलर प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे आपको कलर दिखेगा, फ्लेम जो आपका डिफरेंट डिफरेंट कलर का फ्लेम आपको दिखेगा, क्यों दिखेगा, बिकॉज दे एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम विजिबल रीजन, राइट नाउ Because reason क्या है, they absorb energy from visible region and radiate complementary, write down. And कलर, इसीलिए वो कलर दिखते हैं। क्लियर है, दे एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम विजिबल रीजन एंड रेडिएट कंप्लीमेंट्री कलर एंड सो कलर, एंड सो कलर, ओके, एंड दैट्स व्हाई दे हैव कलर लिखते हो, एंड गिव फ्लेम कलरेशन। क्या होता है, आपको पता है कि अल्कली मेटल के बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है, पता है ना, जैसे मैं लिथियम का लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, देखो लिथियम का हो जाएगा 1s2 2s1, सोडियम का हो जाएगा 1s2 2s2 2s2 2p6 3s1। अच्छा आपको और एक बात बता रही हूँ, एग्जाम देने जाने से पहले, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक के कॉन्फिगरेशन प्रॉपर लिख के सीखना है घर में, आपको दे देंगे, आपको पूछा जाएगा जिंक 2+ का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पूछा जाएगा आपको क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपको बोला जाएगा कि मैग्नीशियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और ये भी बताओ कि ये आपको सेकंड चैप्टर का बता रही हूँ, और ये भी बताओ कि ये डाया मैग्नेटिक है या पारा मैग्नेटिक है। आपको मैंने बताया था डाया एंड पारा मैग्नेटिक प्रॉपर आप चेक कर लेना, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहता है ऑर्बिटल्स में वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है, और अगर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो डायमैग्नेटिक होता है, तो ये देने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं, दे सकते हैं, बोले कॉपर 2+, कॉपर प्लस है और कॉपर 2+ दे सकते हैं आपको, और आपको दे सकते हैं कुछ क्रोमियम का दे सकते हैं, या फिर खाली कॉपर का भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि कॉपर और क्रोमियम जो है ये थोड़ा
एक्सेप्शनल उनका कॉन्फिगरेशन रहता है। तो यहाँ प्लीज थोड़ा सा आपके पास नोट्स पड़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये एक बार पढ़ लेना पूरा। 100% चांसेस है डाया पैरा आपको पूछा जाएगा, आपको स्ट्रक्चर लिखना है और ये करना है। नहीं तो एक काम करो मुझे आप एक काम करना, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक, आपको बता रही हूँ मैं, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के मुझे इमिडिएटली सेंड कर देना, मैं चेक कर लूंगी। क्लियर है? होमवर्क करो, थोड़ा सा होमवर्क करो, सेंड करो, इस बहाने आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक का। या फिर आप एक काम करना, अगर आपको पूरा लिखना नहीं है, पूरा लिखना कितना टाइम लगेगा बेटा, 15 मिनट नहीं लगेगा लिखने में अगर आपको पैटर्न पता है तो। इसको लिखो पहले हाइड्रोजन से जिंक तक का, लिख के रखो अपने पास, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगी इसी से। आपको ऐसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन में कितने अनपढ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे पहले आपको कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p3 आपको लिखना पड़ेगा कॉन्फिगरेशन नाइट्रोजन का, 1s2 2s2 2p3। उसके बाद ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है, 2p3 में p में 6 रहता है तो p में यहाँ पे 3 है, इसका मतलब क्या है, इसके पास 3, ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में। पूछा जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स पोजेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर पूछा जाएगा हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन। तो आप इस तरीके से भी, आपको इसलिए मैं बोल रही हूँ हर एक चीज को लर्न करो। आपको पूछा जाएगा क्रोमियम 3+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको इसका स्ट्रक्चर लिखना, कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा। पहले क्रोमियम का लिखोगे और उसके बाद फिर क्रोमियम 3+ का लिखोगे। और कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पता है कल मैंने आपको वेट भी करा था 6 से 7 इंस्टीट्यूट में, मार्गरेट क्लेव इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा था ना हम खुल गए कल आ जाएंगे। हाँ कल तो मैं देखती हूँ बेटा, कल क्लास रखेंगे कि नहीं देख लेती हूँ, अगर क्लास रखेंगे दिन तक का कॉन्फिगरेशन देख लेना और ये सब भी देख लेना, एक बार पढ़ लेना प्रॉपर आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, ओके। मैं कहाँ पे थी, मैं आपको ये रीजन लिखवा रही थी फ्लेम कलरेशन अल्कली मेटल क्यों देते हैं, जैसे कि लिथियम क्रिम्सन रेड देता है, उसके बाद आपका मुझे चेक करना पड़ेगा सोडियम मेरे ख्याल से येलो कलर देता है। फ्रेंशियम के बारे में आपको जानना नहीं है, इसका हाफ लाइफ 21 मिनट्स का होता है, रेडियोएक्टिव होता है फ्रेंशियम, तो फ्रेंशियम के बारे में पढ़ना नहीं होता है, बाकियों के बारे में देख लेना एक बार। नोट्स में ए टू जेड बेहतरीन तरीके से नोट बनाया हुआ है, आप नोट जो मैंने आपको रिटर्न वाला बताया था, हैंड रिटर्न वाला, वो पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा फ्लेम कलेक्शन आपको बता दिया है, ये प्लीज आप एग्जाम में आएगा तो यही लिख के आना है आपको। दे अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम विजिबल रीजन एंड रेडिएट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। यहाँ पे और एक टर्म आप जोड़ सकते हो, दे पोजेस लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, एंड दैट्स व्हाई वो विजिबल रीजन से ही एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होता है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं देख रही हूँ, छोटा क्वेश्चन है तो यहीं पे आ जाएगा। शो बाय द केमिकल रिएक्शन दैट Na2O इज अ बेसिक ऑक्साइड। मैंने आपको वैसे भी कहा था अल्कली मेटल लिथियम सोडियम पोटेशियम इन सब के ऑक्साइड्स हाइड्राइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेसिक नेचर के होते हैं। मान लो लिथियम एक ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाएगा, Li2O बनाएगा। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, Na2O बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे Na2O के बारे में है, आप देख सकते हो क्वेश्चन में Na2 के बारे में है। ठीक है, पोटेशियम बनाता है तो ये सुपर ऑक्साइड बनाता है, KO2 बनाता है, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि, चलो बाद में बताएंगे, एक साथ सारा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, ये हो गया ना अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स हो गए सारे। हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब रिएक्शन विद हाइड्रोजन। लिथियम क्या बनाएगा, LiH बनाएगा। सोडियम बनाएगा NaH। पोटेशियम बनाएगा KH। ये सारे हाइड्राइड हो गए। चलते हैं हाइड्रोक्साइड में चलते हैं। हाइड्रोक्साइड का मतलब है लिथियम बनाएगा LiOH, ये बनाएगा सोडियम NaOH KO। तो जितने सारे ऑक्साइड्स हाइड्राइड्स हाइड्रोक्साइड्स देख रहे हो सारे बेसिक नेचर के हैं। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों के
ये मोस्टली अल्कली मेटल के ज्यादा बेसिक होते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल तक पहुंचते पहुंचते बेसिक प्रॉपर्टीज घट जाती है, बट वो भी बेसिक होते हैं। क्लियर है? ओके, यहाँ पे ये पूछा गया है कि कैसे आप प्रूफ करोगे कि Na2O बेसिक है। आपको कहीं पे भी पूछा जाएगा कि बेसिक प्रॉपर्टी को कैसे शो करोगे, कहीं पे भी इसके लिए पूछा गया, इसके लिए पूछा गया, इसके लिए पूछा गया, ये तो ऑलरेडी बेस आपको दिख रहा है, ये तो बेस है, इसमें क्या प्रूफ करना है आपको, तो बेस है पूरा, हाइड्रोक्साइड है। आपको पूछा गया कि आप कैसे प्रूफ, क्या करना है आपको, उस एलिमेंट उस कंपाउंड को लेके वाटर के साथ रिएक्शन दिखा देना है, तो वो अगर हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा तो ये बेसिक नेचर। जैसे मैं बताती हूँ, हाउ विल यू प्रूव दैट Na2O इज बेसिक, सो जस्ट राइट डाउन द रिएक्शन Na2O प्लस H2O कर दो आप, क्या बनेगा, 2NaOH बन जाएगा। ठीक है, जब मैंने ऑक्साइड को लिया और वाटर के साथ रिएक्शन दिखाया तो ये बेस प्रोड्यूस कर रहा है, NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब है ये बेसिक नेचर का है। सिमिलरली आपको पूछा है कोई कंपाउंड देने के बोलेंगे कि प्रूफ करो कि ये एसिडिक नेचर का है, क्या करना है आपको, उस कंपाउंड को वाटर से रिएक्शन दिखा देना, अगर एसिड बन रहा है तो वो एसिडिक नेचर का कंपाउंड है। ठीक है, जैसे कि CO2, CO2 एसिडिक नेचर का है, कैसे प्रूफ करना है कि CO2 एसिडिक है, CO2 प्लस H2O विल गिव मी H2CO3 और ये एक वीक एसिड है, दिस प्लस दिस गिव्स H2CO3 जो कि एक वीक एसिड है, इसका मतलब ये भी एसिडिक है, अभी इसने एसिड बनाया। सिमिलरली तो पूछा गया है कि NO2 कैसे प्रूफ करूं कि NO2 बेसिक है, रिएक्शन दिखा देना वाटर के साथ बेस बनाता है, दैट्स व्हाई दिस इज बेसिक। क्लियर है कि नहीं है? कहीं पे भी पूछा जाएगा कि एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ करोगे, वाटर से रिएक्शन दिखा के देख लेना कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अगर बेस प्रोड्यूस हो रहा है तो बेसिक है, एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो एसिडिक। चले फोर्थ क्वेश्चन में चले। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 इन वेपर फेज पूछा गया है, BeCl2 का वेपर फेज स्ट्रक्चर पूछा गया है, तो ये बेसिकली फॉर्म होता है आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल में Be है, तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, बाद में टाइम नहीं मिलता है, तो BeCl2 का दो स्ट्रक्चर होता है, एक तो वेपर फेज स्ट्रक्चर होता है और एक सॉलिड फेज स्ट्रक्चर होता है, दोनों ही यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ये पूरा स्कोरिंग है, ड्रॉ करके आओगे तो पूरा स्कोर मिलेगा आपको, ये मैं रफ करने जा रही हूँ, इतना है हम कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, लिख दो BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड जो है ना, इसका दो स्ट्रक्चर पाया जाता है BeCl2 का, अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूं तो BeCl2 कैसे रिसेंबल करता है थोड़ा मैं आपको बता दूं, ऐसे बनाओगे ना BeCl2 का, तो आप मुझे बताओ बेरिलियम का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या, BeCl2 में सेंट्रल एटम बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ये एफिशिएंसी दिखा रहा है, Deficient है ना, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, ये दो हो गया, चार हो गया, इसको तो ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये लुईस एसिड की तरह यूज करते हैं हम इसको, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये लुईस एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं, लुईस एसिड की तरह हम इसे यूज करते हैं, तो बिकॉज ये डेफिशियंट है ये क्या चाहता है, इसका ऑक्टेट कम्प्लीट हो जाए, और उस ऑक्टेट को कम्प्लीट करने हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे लुईस एसिड कहते हैं, तो इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के चक्कर में ये क्या करता है,
डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर कंबाइन करता है और पॉलीमर्स बनाता है किसी के साथ, खुद के साथ ये कंबाइन करके पॉलीमर्स बनाता है। तो ये वेपर फेज में कुछ डिफरेंट टाइप का पॉलीमर्स बनाता है जिसे हम ब्रिज स्ट्रक्चर कहते हैं, और सॉलिड फेज में कुछ डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। तो देख लेते हैं कि वेपर फेज में ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है और सॉलिड फेज में कैसे। सबसे पहले चलते हैं वेपर फेज, ये देते हैं ये सॉलिड फेज स्ट्रक्चर किसका, BCl2 का। जब वेपर फेज को ब्रिज स्ट्रक्चर में कहा जाता है, कैसे बनाना है आपको BE यहाँ पे लिखना है, एक ऐसे देना है दूसरा ऐसे देना है, डन है, थोड़ा कॉर्नर में दूसरा यहाँ पे BE आ जाएगा, एक सीधा जाएगा और दूसरा ऐसे जाएगा। देखो मैंने कैसे बना दिया है, आपको इजी मेथड भी बताऊंगी, आपको समझाने के लिए से कर लूंगी, ठीक है। अब इसके पास इसको कितना है इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, मैम 2 चाहिए, नहीं इसको 4 चाहिए, और 2 और 2 4 है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 4 चाहिए इसको, इजंट इट। बेरिलियम के पास, ये तो बेरिलियम है ना, BeCl2 है ये, इसके इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यस मैम 4 चाहिए, चार चाहिए ना, 1 2 3 4, इसके पास 4 ऑलरेडी है, तो ऑक्टेट के लिए और 4 चाहिए। तो पूरा 4 तो नहीं मिल पाता है वेपर फेज में, बट होता क्या है, ये जो बी को सपोर्ट करता है क्लोरीन के लोन पेयर जो है, इसको सपोर्ट करके यहाँ पे बॉन्ड बनाता है। आपको पता है क्लोरीन के पास